मैं उनको उनकी याददाश्त को, जो कमजोर याददाश्त है, उनको कहूंगा कि बादाम खाइए और मैं आपकी याददाश्त को ताजा करता हूं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। जितना हमने उम्मीद करी थी उससे ज्यादा लोग निकल कर आ रहे हैं। मैं पिछले कल सिराज में था, दो दिन पहले, वहां पर भी जिस तरीके से लोगों का समर्थन मुझे देखने को मिला, चाहे वो छतरी में था, चाहे वो थाटा में था, चाहे वो बाड़ी चौकी में था, और पिछले कल बंजार का भी था, आज भी बंजार का कुछ हिस्सा हमने कवर किया है, कुल्लू सदर का कवर किया है, आज मनाली का कार्यक्रम है, कल केलोंग का कार्यक्रम है। हर जगह पे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने एक बिल्कुल साफ अपनी विजन लोगों के बीच में रखा है, विकासात्मक सोच के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और जो कार्य हमने किए हैं उसके बारे में भी कह रहे हैं। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ये कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने और प्रतिभा सिंह जी ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री क्या कहा। मैं उनको उनकी याददाश्त को, जो कमजोर याददाश्त है, उनको कहूंगा कि बादाम खाइए और मैं आपकी याददाश्त को ताजा करता हूं। मंडी में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर किसी सरकार ने बनाई, वो यूपीए की सरकार ने बनाई, जब आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश उस समय जो है वो केंद्रीय मंत्री थे। मंडी के अंदर नेर चौक के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जो कई 100 करोड़ रुपए से बना, ये भी यूपीए सरकार के समय बना जब वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे। देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर हुआ, देव सदन का निर्माण कुल्लू के अंदर हुआ, और उसके साथ साथ हमारा जो कीरतपुर से लेकर नेर चौक के 4 लेनिंग का कार्य, इसकी नींव भी यूपीए सरकार ने उस समय रखी। और हमारा रोहतांग टनल, जिसका नाम अब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अटल टनल के नाम से कर दिया है, अच्छी बात है, हम अटल जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर इसके लिए भी 12,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जो है वो यूपीए सरकार के समय में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन थी, उस समय ये पैसा दिया है। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछना चाहूंगा, आप 5 साल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, देश में केंद्र में भाजपा की सरकार थी, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मंडी के लिए लेकर आए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। एक आप प्रोजेक्ट की बात करते थे कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बनाऊंगा मंडी के अंदर, आज तक उस एयरपोर्ट का एक ईंट का पत्थर जो है वो जमीन पर नहीं लगाया, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ें, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमने विकास किया है।